तो गाइज अभी थाना से निकले हैं, ये है हाथीगांव पुलिस स्टेशन। पंगा बंद करो। वाले दोस्तों, बुजुर्गो, बच्चा बटी मेला समिति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फिलहाल हमारे घर में प्रवेश कर चुका है मिस्टर इरफान भाई। आज बहुत ही खुशी का दिन है इनके लिए। भाई बताओ जरा, कितना खुशी आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है बाद में, पहले बताओ क्यों खुशी है? मतलब खुशी, कितना खुशी लग रहा है? इतना खुशी लग रहा है कि क्या बोलूं, मतलब खुशी, इतनी खुशी। मेहनत करने के बाद ना, वो मेहनत का फल जब मिलता है ना, ज्यादा खुशी मिलता है। तो बहुत दिनों से भाई मेहनत कर रहे थे अपने चैनल पर, दो साल हो गया ना, 2 साल से भाई मेहनत कर रहे थे। फाइनली भाई का चैनल हो चुका है मोनेटाइज्ड। कांग्रेचुलेशंस। तो भी भाई लोग कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, सबको पार्टी मिलेगा इरफान भाई की तरफ से। मिलेगा मेरे चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन दीजिए, और या फिर इनके चैनल में जाके मैक्स थ्रॉटल इनके चैनल में जाकर कांग्रेचुलेशन दे दीजिए। वेल गाइस, आज कुछ एक लफड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पेट पूजा कर लेते, उसके बाद बाहर निकलना है, जाना है पुलिस स्टेशन। जी खाने पीने का प्रोग्राम तो खत्म हो गया। अभी जिस पार्ट का मैं तलाश कर रहा हूँ, गोप्रो, जैसे कि आप देख चुके हो टूट चुका है, तो वो शायद मेरे कंप्यूटर रूम में मिल जाएगा। ये रहा हमारा फाइंडिंग ग्लोव्स, इसको पहन के हम ढूंढते हैं चीज़ों को, तो फट से मिल जाता है। दो सामान मिल गया। पहले हम सोच रहे थे कि ओरिजिनल वाला नहीं है, तो एक ये मिला पुलूस का, ये कंपनी है, इसका नाम पुलूस। और दूसरा वाला था ये, जो कि गोप्रो का ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे गोप्रो भी लिखा हुआ है, दिस वन। सीए लगा लिया, देखिए यहाँ पे फिटिंग भी हो गया बिना किसी टेंशन के, दिक्कत के, बढ़िया से एकदम। तो अभी जाके मोटो ब्लॉग कर सकते हैं, नहीं तो टेंशन हो गया था हमें, मतलब कैसे करें मोटो ब्लॉग, हाय हाय, जुल्मो सितम हो जाता अभी। ओके सो गाइस, माउंट का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, अभी निकलने का टाइम है, जाना है पुलिस स्टेशन। इसको ज़रा वार्म अप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सो गाइस, जस्ट बिफोर आई हेड टुवर्ड्स द पीएस ऑफ हाथीगांव, थोड़ा बहुत जानकारी इस टॉपिक के बारे में, किस लिए कर रहे हैं ये। आपको जैसे पता है डाटा एंट्री का काम वगैरह आप आराम से कर सकते हो लैपटॉप वगैरह में ऑनलाइन। उस हिसाब से ढूंढने के बाद बेगम साहिबा को एक वेबसाइट मिला था, जहाँ पे एंट्री करने के बाद, कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद उनकी तरफ से कॉल आया था, आप अगर करना चाहते हो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन में आपको 600 फॉर्म दिया जाएगा, 600 फॉर्म्स। तो आप 600 फॉर्म्स में से आपको फॉर्म को खाली कॉपी पेस्ट वाला जॉब है, उसको खाली कॉपी करके दूसरे फॉर्म में फिलअप करना है, और उसमें एरर नहीं आना चाहिए। मिनिमम 540 फॉर्म आपको, 540 टू 550 फॉर्म आपको सही आना चाहिए। तो फ़ोन पे ही बेगम साहिबा ने ऑनलाइन में रहते हुए, मतलब लाइन पे रहते हुए फॉर्म फिलअप करके जमा कर दिया। तो उन्होंने उनसे डिजिटल सिग्नेचर लिया था, और डॉक्यूमेंट के तौर पर लिया था, पहले दिया था पैन कार्ड, जो कि एप्लीकेबल नहीं था इन कंपनी के लिए, तो बाद में इन्होंने दिया था अपना आधार कार्ड। तो उस हिसाब से चल रहा था, बाद में मुझे पता भी नहीं था ये सब कर रही थी वो। बाद में 2 दिन बाद, जब बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने जब बताया हमें, तो बाद में नेट पे सर्च करने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के साथ टाई अप किया, लेकिन चाहे जितना भी ये लोग फॉर्म फिलअप करेक्टली कर ले, बाद में फिर सबका एक ही कंप्लेन है कि सबको पैसा उन्होंने डिमांड किया है। क्योंकि जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया था हमारे बेगम साहिबा ने, वहाँ पे एक क्लॉज था जो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला बेगम साहिबा को, उसमें लिखा था अगर रॉन्ग हो जाए तो आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा, वो भी 5000 रुपीज़। तो 5000 भी देना पड़ेगा, बाद में फिर नहीं देने से कोर्ट से नोटिस आएगा, फलाना ढिमकाना, ये वो फलाना फलाना। तो वो सर्च करने के बाद पता चला कंपनी पूरा फेक है, और अगर नोटिस भी भेजेगी तो फेक नोटिस भेजेगी। एनीवेज उनके पास डॉक्यूमेंट है, उसी का फिर FIR लॉन्च करने के लिए हम लोग आए यहाँ पर आज पुलिस स्टेशन पे। सो गाइस, अभी थाना से निकले हैं, ये है हाथीगांव पुलिस स्टेशन। और बात करने के बाद अंदर में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि बुक में एंट्री करेंगे ये लोग, और बुक में एंट्री करने के लिए कागज़ कलम से फिर ब्लैंक पेपर में लिखना पड़ेगा डिटेल्स वगैरह, हमारे बेगम साहिबा का डिटेल्स लिख के फिर जमा करना पड़ेगा। तो हम फट से घर जाते हैं, बेगम साहिबा को ड्रॉप करते हैं, फिर आना पड़ेगा। तो और इस केस के बारे में विस्तार से बताएंगे हम, पहले जो काम है इसको निपटा लेते हैं, घर जाके लेके आते कागज़ जमा करते हैं थाने पर। कागज़ लिखने का काम हो चुका है कम्प्लीट, और असर का टाइम हो रहा था तो नमाज़ी पढ़ लिया, दोनों काम हो गया। अभी जाते हैं थाने में फिर से और जमा करते हैं कागज़। तो सही से समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या एक्चुअली, तो फिर हम उसको रिपीट करेंगे और विस्तार से बताएंगे, थोड़ा धीरज रखिए, बता रहे हैं। सो फाइनली गाइस, काम हो चुका है, जितना भी
करना बाकी था थाने में, सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन जो लिख के आए थे, क्या हुआ था हमारे साथ, कौन सा कंपनी क्या फ्रॉड कर रहा था, कौन सा डॉक्यूमेंट उनके पास है तो मिस यूज़ हो सकता है, तो उससे पहले ही थाने पे हमने दाखिल कर दिया अपना प्रॉब्लम। अभी नो टेंशन, बिना टेंशन के आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, याद है हमें, हम बताएंगे आपको विस्तार से क्या हुआ है प्रॉब्लम। उससे पहले जाना पड़ेगा हमें सिजुबाड़ी हाथीगांव। हाथीगांव तो ये है, सिजुबाड़ी जाना पड़ेगा फिर से। उड़ी बाबा गोंडोगोल, डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप गाइस। हम अगर उस दिन पता होता रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, अगर मुझे पता होता तो बेगम साहिबा को हम इस तरह के जॉब के लिए कभी भी नहीं बोलते कि आप बिना एग्रीमेंट चेक किए आप साइन वगैरह भेज दो। इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, ये वीडियो देख के अगर आप कुछ सीखते हो ना उसको अप्लाई करो। आज हम लोगों के साथ, कल आपके साथ, परसों किसी और के साथ हो सकता है इस तरह का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ फ्रॉडस्टर्स बिजनेस करते हैं। जो भी लोग जॉब के लिए डेस्परेट है फिलहाल, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। पोहर लगता है मेरे को, थोड़ा सा उजला कर दो, गुंजी खोल दो उसको। नीचे बंद करो यार, बंद करो। सो गाइस, जैसे बोल रहा था कि विस्तार से बोलेंगे उसके बारे में, तो फिलहाल हम लोग है नोका ब्लॉग्स के ऑफिस में, साथ में हमारे किडनी भाई साहब, और पीछे ना जाने वाला इंसान। एनीवेज गाइस, तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बता रहा था कि इनकेस आप भी इस तरह के फ्रॉडस्टर के मामले में, कंपनी वगैरह में आप भी शामिल हो सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि इंडिया में जैसे कि बोल रहा था मोटो ब्लॉग में, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, हर कोई बेकार बैठा हुआ है घर में। तो डाटा एंट्री जैसा जॉब, ईजी सा जॉब है, उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और फंस जाते हैं। तो उस हिसाब से बेगम साहिबा कुछ दिन से बोल रही थी उनको कुछ करना है, ऑनलाइन घर बैठे करना है, कि उस मैंने सोचा कि ठीक है कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुछ जॉब ढूंढ लो, मिल जाता है कभी कभी, घर बैठे भी कर सकते हो लॉकडाउन के दौरान। तो उस हिसाब से jobsearch.net जो वेबसाइट है वहाँ पे दाखिल करने के बाद, एंट्री करने के बाद उनके तरफ से कॉल आता है। तो कॉल में रहते वक्त ही उन्होंने बताया कि 15 दिन का एक कोर्स है, उसमें 600 फॉर्म्स दिया जाएगा, जिसमें से आप अगर आप मिनिमम 540 फॉर्म्स अपने राइट कॉपी पेज वाला जॉब है कर लिया, तो आपको अराउंड 10,000 to 15,000 आपको मिलेगा फॉर द 15 डेज पीरियड। लेकिन 15 डेज पीरियड में आपको 600 फॉर्म आपको जैसे भी करके सबमिट करना है। बेगम साहिबा को फ़ोन पर रहते वक्त ही उन्होंने फॉर्म फिलअप वगैरह करवाया, एग्रीमेंट साइन करवाया, पढ़ने का मतलब मौका नहीं दिया एक्चुअली फंडा क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आधार कार्ड वगैरह लिया, डॉक्यूमेंट लिया व्हाट्सएप में, ये सब जो कर रही थी बेगम साहिबा वो हमें पता नहीं था बिल्कुल, आउट ऑफ नॉलेज। फिर एक दिन बाद जब बेगम साहिब ने बताया कि इस तरह का कंपनी ऐसा ऐसा पैसा देने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली है, एक लिंक दिया इन्होंने, वहाँ पे लॉग इन करो, चेक करो कौन सा फॉर्म क्या फिलअप करना है। तो मैंने लॉग इन किया, चेक किया, तो हाँ जॉब सिंपल सा जॉब दिखा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार YouTube में देखने का पता चला बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी के साथ काम करना चालू कर दिया, और सारे के सारे जितने भी लोग हैं, 15 दिन के अंदर किसी का होता है, किसी का 7 दिन के अंदर, ये लोग जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद तुरंत क्या होता है, इनके तरफ से मैसेज आता है कि आपका काम में, आपके काम में एरर है। मतलब उन्होंने बताया था ना 540 फॉर्म आपका सही रहना चाहिए, 540 के आप अगर 600 फॉर्म भी सबमिट कर देना, एक भी फॉर्म ये लोग करेक्ट नहीं बताते, मतलब इनका यही स्कीम है आपको रॉन्ग बताना। और जो एग्रीमेंट है उस पर लिखा है अगर आप रॉन्ग फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको उल्टा उनको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, बढ़िया है एकदम भाई, क्या गजब का प्लानिंग, घर बैठे क्या खाते हो, चना खाते हो, इतना अच्छा क्या क्या निकालते हो यार स्कीम यार, 21 दिन में पैसा डबल ऐसा कंपनी। तो वो देखने के बाद विद इन 15 डेज पीरियड बेगम साहब ने कॉल किया, मैंने भी कॉल किया उनको, बात की हमसे, हम लोग ये जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कॉल पे बताया नहीं था कि अगर हम सबमिट नहीं कर पाए तो 5,000 रुपये उल्टा हमको देना पड़ेगा। उन्होंने बताया नहीं, आप तो आप डर क्यों रहे, आपका हम लोग आपको फॉर्म को क्यों रॉन्ग बताएंगे, आपको तो ऑप्शन दिया गया है मिनिमम 540, 600 में से आपको 540 सही होने से भी होगा, आप टेंशन मत लेना आपको मिल जाएगा पैसा। हम बोले हमको करना नहीं है, ऑलरेडी बहुत आपको फ्रॉड है, ये है वो है, हम लोग देखा यूट्यूब में। तो उन्होंने बताया नहीं, हम लोग का ऊपर का टीम आपसे बात करिए। फिर ऊपर का टीम ने बात किया, उन्होंने भी सेम बात कि टेंशन मत लीजिए, पैसा आपका नहीं जाएगा, आपको मिलेगा, आप फॉर्म फिलअप करके दीजिए ना, एक बार करके तो देखिए क्या क्या। हमने बोला नहीं करेंगे। उसके बाद 15 दिन जब ख़त्म हो गया तो उनके तरफ से अब कॉल आता है कि भाई आपने तो डिजिटल सिग्नेचर किया है लीगली वे में, हम लोग अभी आपको फिर आपको सिर्फ पैसा देना पड़ेगा 5,000 रुपये, नहीं तो हम फिर लीगल केस करेंगे, और आपका जो आधार कार्ड या पान कार्ड हमारे पास है वो मेल में लिखते हैं कि हम उसका मिसयूज़ करेंगे। ये कौन सा कंपनी है, ये कंपनी है वो बोलती है कि हम आपका डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करेंगे। फिर हमने साइबर सिक्योरिटी को कॉल किया, उन्होंने बताया कि आपके लोकल थाना जो है वहाँ पर जाइए आप,
वहाँ पे जाके जो डॉक्यूमेंट का ये लोग बोल रहे हैं उसका आप एफ आई आर करके आइए या फिर एंट्री करके आइए कि इस तरह का डॉक्यूमेंट एक फलाना ढिमकाना जो कंपनी है उन्होंने लिया है, तो वो हम अगर कुछ मिसयूज़ करते हैं ये लोग तो वी विल बी नॉट रेस्पॉन्सिबल, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो उसी का एक फॉर्म फिलअप करके अभी जमा करके आए थाने में। और जो यूट्यूब वगैरह में हम देखे थे जितने भी लोगों को ये वार्निंग मिल रहा था, थ्रेट मिल रहा था, जल्द से जल्द पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो लोगों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आता है, वो नोटिस भी फेक होता है। तो अगर आपके पास आपके साथ भी ऐसा होता है तो नोटिस भी आता है, कॉल भी आता है, थ्रेट भी आता है, तो एवरीथिंग इज़ फेक क्योंकि कंपनी ही फेक है। आप डरिए मत क्योंकि वो कभी भी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद ही लीगल नहीं है। पसीना कितना पसीना निकलता है, देखिए मेहनत का पसीना है, आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए सिराज खान, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रूम देखिए, वाह माशाल्लाह क्या सही है, नहीं नहीं इधर में तो दिल है, दिल के बीच में कौन है, दिल के बीच में कौन सा लड़की है, देखो जरा, देखो जरा दिल के बीच में कौन है, भूषा का हो गया। तो ये झूठ नहीं था, ये सच था कि इरफान भाई सच में पार्टी दे रहे। थैंक यू भाई, थैंक यू। इसी बात में कर दो सब्सक्राइब, इसी बात में कर दो सब्सक्राइब मेरा चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर देना। लिंक भी डाल दिया रे, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं, लिंक डाल दिया। और मैं इतना दूर से मतलब अभी उठा के ले रहा हूँ, मेरा आपके लिए भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इनके इंस्टाग्राम का भी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, या तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर, डोंट ट्रबल योर मदर, बाय बाय। एक बात और, एक बात, ये फलाना ढिमकाना ऐसा कौन सा ग्रामर है जो हर एक चीज में ऐड हो जाता है? फलाना ढिमकाना जैसे जैसे हर एक शब्द में, हर एक लाइन में ऐड होता है, इतना मतलब फलाना ढिमकाना इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। जैसे हम लोग जैसे ताबड़तोड़ बाइकर, तुम जैसे फलाना ढिमकाना बाइकर। और हाँ, बिफोर एंडिंग ऑफ द ब्लॉग एक बात रह गया था बोलने के लिए, इनके साथ फिर भी फंस जाते हो इस तरह के मामले में, तो अगर आप डॉक्यूमेंट देते हो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो आधार कार्ड तो बायोमेट्रिक लॉक जो है वो तुरंत कर देना। बाकी कोई भी आपके पास ओटीपी आए, ओटीपी मत शेयर करना इन लोगों के साथ। क्या कुछ आना है? चलो भाई, अभी अभी सीरियसली भाई, फाइनली भाई, फाइनली भाई, फाइनली भाई।